हल्ला गुल्ला मजे की जो लड़कियां होती है ना, जो कि जजमेंटल नहीं होती। साल हो गए वापसी पार्टीज पे जा रही है। उसकी बालकनी से मेरा घर नजर आता है और वो मुझे वेव करती है अक्सर। मैं सीधा अमर के घर। चलो भागो, चलो यहाँ से। सब्जी वाली के सामने वाला घर। नादिया खान की वजह से है। मम्मा का बेटा सिम्बा सिम्बे कुछ कोजी कोजी किचन। मेरी मुर्गी उसको देख के अंबर और मैं और निदा, हमने कभी एज नहीं करना। कुछ थोड़ी देर बाद कैमरे खुलेंगे और कैमरे बंद हो जाएंगे फिर। ये क्या परफॉर्मेंस थी? लड़कियां साथ में होती है ना, कोई जजमेंटल नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। दिखाओ दिखाओ किसका फोन है। आप सिर्फ गर्ल कंपनी के लिए तैयार होते हैं, अपनी प्यारी गर्ल फ्रेंड्स, आपकी दोस्तें जिनके साथ टाइम गुजार के आपको इतना मज़ा आता है, आप रिफ़्रेश हो जाते हैं। आई थिंक कि जितनी भी आप लाइफ में बिजी हों, मेक श्योर दैट यू स्पेंड टाइम विद योर गर्ल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज गर्ल्स नाइट है, फैसल इज़ इन लाहौर और मैं बड़े दिनों से प्लान कर रही थी कि अंबर खान जो कि तमाशा में थी और तमाशा में घर से बाहर रही इतने दिन इतने हफ्ते, अपने घर पे हमें बुलाया है माई सेल्फ एंड सम वेरी क्लोज फ्रेंड्स। हल्ला गुल्ला मज़े की जो लड़कियां होती हैं ना, जो कि जजमेंटल नहीं होती कि जी सब डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और वो वीडियो बना रही हो ना, या नहीं मैंने नहीं उठना, उसमें क्या मज़ा नहीं आता। वो और एक पार्टी होती है जिसमें फिर बस खाना पीना गपशप होती है, लेकिन ये पार्टी वो है कि हमने जिसमें इंजॉय करना है, बिल्कुल गर्ल्स बन जाना है और मस्ती करनी है। और ये बॉय आ गया। क्या अजान, कैसा लग रहा है? मामा इतनी तैयार हैं, जा रही हैं। ये बहुत टाइम के बाद है, कुछ हो गए 10 साल। मैं 10 साल 10 साल हो गए मामा वापसी पार्टीज पे जा रही है। पार्टीज दुबई में बहुत ज़्यादा पार्टीज होती थी, बहुत सारी दोस्तियाँ, बहुत सारी किटी पार्टीज एंड गर्ल्स का बहुत फन होता था वहाँ बहुत ज़्यादा। तो कराची में आके थोड़ा सा कम किया, फिर उसके बाद सिंस फैसल केम इन माई लाइफ तब से कपल चुपचाप मूवी तब से कपल थिंग हो रही है। कपल्स जाते हैं, तमीज से खाना खाते हैं, सब फिर घर चले जाते हैं। तो मैं गर्ल फन मिस कर रही हूँ। तो टुडे इज गर्ल फन, टुनाइट इज गर्ल फन रादर। और मैं हम जा रहे हैं अंबर के, और मैं पहले उससे पहले पिक करूंगी अरूसा को, क्योंकि अरूसा इज सो मच फन। खबर है लड़कियों में तुम्हारा क्या काम है गधे? तुम्हारे लड़कों की पार्टी होती है, मैं आती हूँ बच्चों की, बताओ। मैं अलाउड ही नहीं। पहले मुझे अलाउड करो ना, अपने तो कभी पार्टी में फ्रेंड्स के साथ ना आने दे। कॉपीराइट ना आ जाए, गाना बंद करो। ये मेरा इतना फेवरेट गाना है, सेव योर टेस्ट फॉर अनदर डे। आवारा गर्द, वीकेंड है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल गया है, इसलिए बेटा जब वो वहाँ बैडमिंटन टेनिस सब है। ये क्या बकवास है? ओ गॉड, मेंबरशिप क्यों लिया जब टाइम नहीं मिलता, बारी नहीं आती। आई लव दिस सॉन्ग बाय द वीकेंड, सेव योर टीयर्स। अभी सुने, अभी लगाएं। आप कहेंगे यार नादिया क्या गाना हमने सुना नहीं था, अगर तो आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो आपने कुछ नहीं सुना। प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा एक और मैं आपको मज़े का गाना बताऊँगी जिसके पीछे मैं आजकल पैगल हुई हूँ, वो है लेट मी सर्च फॉर यू। आई लव माई टी वी, मुझे इश्क है अपने टी वी से। और ये मुझे याद है कि ये कोविड के दिनों में जब हम पागल हो रहे थे, तो मुझे था कि मैं अपना नया फ़ोन लूँ या मैं नया टी वी लूँ। मैंने ये बड़ा सा LED टी वी, QLED पता नहीं क्या, बहुत सारी चीज़ें इसमें, वो मैंने लिया था। एंड आई हैव नेवर स्पेंड सो मच ऑन अ टी वी सेट ऑनेस्टली, लेकिन इट्स वर्थ इट, आई लव इट। इस पे कलर्स, इस पे वीडियोज, इतना मज़ा आता है सब देखने का। फिर स्मार्ट है तो कुछ भी यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, क्या नाम है, प्राइम में कुछ भी देख सकती हूँ। सो दिस इज द सॉन्ग दैट आई एम हुक्ड ऑन दीज डेज, पाकिस्तानी गाना है, रोशन एंड शे गिल भी है इसमें। तो
What am I wearing? I'll show you. This song is, by the way, I'm just loving it. और मैं इसको बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ. और मैंने गेट नंबर 5 से रूसा को उठाना है. रूसा मेरे घर के पास ऐसे रहती है जैसे उसकी बैल्कनी से मेरा घर नज़र आता है और वो मुझे वेव करती है अक्सर. Very girl-like, very girly. क्योंकि it's a girls' night and you're gonna have so much fun. मैं आपको बताऊं, कराची में wearing western is so normal. सब इतने मजे से western पहनते हैं. मैं थोड़ा सा uncomfortable feel करती हूँ, लेकिन दुबई में बहुत western पहनती हूँ जब जाती हूँ. लेकिन यहाँ बहुत कम. तो I love my सलवार कमीज here because environment ऐसा है. और जैसा कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेस. पर जब गर्ल्स नाइट होती है, फ्रेंड्स की इवनिंग होती है, सिर्फ लड़कियां होती हैं, तो कितना मज़ा आता है. जो दिल चाहे पहनो, नो बडी इज जजिंग यू. इन्जॉय करो, मस्ती करो, नाचो गाओ, क्योंकि एज इज जस्ट अ नंबर. यू शुड बी यंग एट हार्ट. अगर आपका हार्ट यंग है तो आपकी हेल्दी लाइफ होगी, आप खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रहने देंगे. जो लोग खुद से अंदर नाखुश होते हैं, उनको हर एक की जिंदगी जहर लगती है, हर कोई जहर लगता है. तो जब हम ट्रोलिंग वगैरह देखते हैं और कमेंट्स आते हैं सड़े हुए, अपनी एज को देखो, किसी को भी, आप ये क्यों कर रहे, अरे ये, यकीन करें मैं इन सबके लिए दुआ करती हूँ. मैं कहती हूँ अल्लाह इनको सेहत दे, क्योंकि इनकी जिंदगी में इतना गम है, इतनी नफरत और इतनी परेशानी, इतना स्ट्रेस है कि इनको हर चीज़ से नफरत है, इनका कसूर नहीं. तो अल्लाह इनकी ज़िंदगी बेहतर करे. मैं हमेशा ऐसी दुआ करती हूँ. जब आप किसी के लिए अच्छा कहते हैं ना, इसका मतलब है कि आपके अंदर सुकून है, यू आर हैप्पी. तो टू ऑल द ट्रोलर्स, गेट वेल सून, एंड आई होप आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आए. मैं कहती हूँ किसी की वीडियो पसंद ना हो, कोई शख्स आपको पसंद ना हो, उसका उसके बाद पसंद ना हो, उसको देखते क्यों हो भाई, आप उसको देखेंगे क्यों. मैं जनरली सब पे बात करी, मुझे दुख होता है मेरी कुलीग्स पे भी कभी इतने हार्श कमेंट्स लोग करते हैं. आई हेट दैट बिकॉज पर्सनली क्या पहन रही हैं, कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, इट्स जस्ट नन ऑफ एनी बडीज बिजनेस. और आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए, अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना चाहिए. एंड ऑनेस्टली हम तो कोशिश करते हैं हमारी लाइफ बेहतर हो. छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी चीज़ें जिससे वी फील हैप्पी, हम खुश होते हैं, घर वाले खुश होते हैं और बाकी लोग खुश होते हैं. हम किसी के साथ ना लड़ना, झगड़ना, ना स्ट्रेस देना, वी अवॉइड ऑल दैट. और आज की एक रिफ्रेशर गोली डोज, गर्ल्स नाइट इट्स फ्रेंड्स आउट स्टाइल में आज देखिए आप गर्ल्स नाइट आउट फ्रेंड्स की पार्टी एट अंबर खान्स प्लेस. तमाशा के बाद क्या तमाशे चल रहे हैं और असल में तमाशा घर में तमाशा क्या हुआ था, आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग. तो अंबर खाना खुद बनाएगी, बाहर से लेके आएगी. कौन कौन आ रहा है अंबर खान की पार्टी में, आओ मेरे इयररिंग्स चेक करो. मैं अभी जा रही हूँ अरूसा को उठाने गेट नंबर 5 से, और उसके बाद हम जा रहे हैं सीधा अंबर के घर जहाँ हमारी फ्रेंड्स वेट कर रही हैं. तो स्किप ना कीजिएगा, दिस वीडियो इज गोना बी अ लॉट ऑफ फन. सब्सक्राइब टू स्टाइल फॉर ऑल द गर्ल्स. दिस वीडियो आई एम डेडिकेटिंग टू यू हु बिलीव इन हैविंग फन. सब काम करो, सब ड्यूटियाँ करो, लेकिन अपना फन वो उसकी अलग जगह है. ये 5 नंबर गेट और ये सामने अरूसा का अपार्टमेंट है. ये अरूसा मुझे यहाँ से वेव करती है. I'm here. Another of my YouTuber family. It's happening! चलो भागो, चलो यार. मैं क्या लग रहा है, ऐसे ही हम चले ना तो पहुंच जाएंगे गाड़ी से पहले. I'm very excited. मतलब it's happening. मतलब मैं यहाँ पहुंच गया. मैं पहुंच और हमारा सफर शुरू हो चुका है. पहुंच रहे, आधी ज्वेलरी मैंने पहनी है, आधी मैंने छोड़ दी है घर पे. नेल पॉलिश मैंने नहीं लगाई, ले आई हूँ. आई थिंक के लगाने के लिए गाड़ी में है ना, तो बस हो गया, अब पहुंच रहे. और अरूसा मतलब अजीब बात है कि कहते होगा कि यार ये लोग तो डेली पार्टी करती होंगी. ये लिटरली मतलब यहाँ ऐसा घर है, ये मेरा घर. आई मैं दिखाया तुम्हारा पार्टी, ये देखा सामने, लिटरली सामने सामने मैं बालकनी से देखती हूँ उसे घर पे. और बस मेरे और उसका बच्चा भी एक साथ बड़ा हो रहा है माशाल्लाह, लेकिन मिल नहीं पा. जब ये कपड़े सुखाने जाती है टेरेस पे तो मैं इसको देखती हूँ, मैं देखती हूँ. ये भी आती है छत पे, मुझे वो वाला शीशा देखने दो ड्राइविंग के लिए. यस, अंबर के यहाँ जा रहे हैं और अरूसा, आई एम सो हैप्पी कि अरूसा साथ मेरे जा रही है और ये निकल गई फाइनली. इतने रड़े होते हैं, इतने मस्ते होते हैं.
आज भी अख्तर भाई नहीं आया? नहीं, मैं सुबह वॉइस नोट भी सो किया तो मैंने कहा इस केस देखने से पहले मैं डिलीट कर दूं कि मैं अब मना नहीं करूंगी. आई विल ट्राई. अख्तर भाई की शाही सुपारी देनी पड़ेगी. आई मिस मिनाज बेबी शावर आल्सो व्हिच आई फील वेरी बैड अबाउट. क्या फायदा मिस टू डू. देखो सब कुछ मिस कर रही है और आज उनसे को मैंने कहा हैव टू कम बेबी और अरुषा आ गई और हम जा रहे हैं. बड़ा मजा आएगा. हम जा गए और हम पहुंच गए हैं अंबर के घर पे. मैं और अरुषा है ना. और घर बिल्कुल सही उसने बताया. सब्जी वाले के सामने वाला घर जी. सब्जी वाला है वहाँ बाजार के पास जो घर होता है ना. आई लव दैट. आ जाओ भाई हेलो. डॉगी भी है. बजाओ दरवाजा. हेलो अपन. नादिया ने पूछा ना. नादिया सैन ने कैमराज होंगे. लुक एट दैट. लुक एट द कैमराज. लुक एट द कैमराज. ये देखो सारे. ओह माय गॉड. वो कैमराज के साथ आज यहाँ इतने यूट्यूबर्स हैं ना. आज दावत सिर्फ नादिया खान की वजह से है जिसने रात को मुझे अंबर नहीं आई तो मैंने खास तुम्हारे उसमें की है ना. अरुषा ये पकड़ जरा दी. देख हमारी बात हो रही है बड़ी जबरदस्त. ये खास इसके लिए रात बाद है. ओह माय गॉड. हु इज दिस शिटी लेडी. कसम मैं वही बताती हूँ वेस्टर्न नहीं पहनती हैं पाकिस्तान में. नहीं ना पहनेगा गर्ल्स नहीं पहनेगा तो व्हाई नॉट. और सबको बता रही हूँ मैं. नहीं आज एक्चुअली पता है कि तुम कौन हो? तुम भूत हो? तुम असली हो बच्चे? ये कौन है? बच्ची मुंह नहीं दिखा रही. इसके तुमने मुंह के साथ ना फोन चिपका दिया है. अच्छा लेट्स सी अंबर्स हाउस. अंबर कितना क्यूट है तुम्हारा घर माशाल्लाह. ये अंबर की तरह है ना ड्रामेटिक कलरफुल प्यारा. आई लव इट. मुझे घर ही पसंद है ऐसे ना. हाय 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 मेरे पैरों में आने लगी थी. ये हिल ही नहीं रही. कहती है मैं मर जाऊंगी हिलूंगी नहीं. तू कैसे लेटा हुआ था गुड्डू? मैंने बोला था मम्मा का बेटा कि बस ख्याल रखने का ऐसे नहीं किसी के पैर में ना जो समझ नहीं आती. जानू मेरा सबके में जाओ. मेरा जिगर है ये जितना. ये कब हुआ? मेरा जान है ये जितना प्यार हो रहा है इस पे. ये कब हुआ? अंबर मेरा जान है. वैसे है भी फ्लफी. है भी फ्लफी गुड्डू है. मैं ना जानू है भी फ्लफी. मुझे बहुत डर लगता है बिल्लियों से लेकिन ये बहुत प्यारा है. ये बहुत प्यारा है. व्हाट्स हिज नेम? सिम्बा. सिम्बा सिम्बे सिम्बे. ये सो स्वीट. आई लाइक अंबर्स हाउस सो कूल. लुक एट द गर्ल्स. अभी शुरू की गर्ल्स हैं ये. हां इट्स किरण हेना एंड अरुषा. बस मैं दो मिनट और वीडियो बनाऊंगी फिर मैं बंद कर दूंगी. एक बार कर दिखा दूं. आई लव द किचन. कोजी 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 किचन जहां खुद बंदा कुकिंग करे. मजा है ना. तुम कैसी? तुम्हारी शक्ल भी नजर आ रही है. सारे का क्या मतलब है? सो दिस इज अंबर्स किचन एंड इसके किचन में हर डिश में तड़के के साथ थोड़ा सा बिल्ली का बाल भी जाता है. आई एम श्योर ऑफ दैट. मुझे बिल्लियाँ बिल्कुल पसंद नहीं ना बिल्लियों को मैं पसंद हूँ. मुंह मोड़ लिया. देखो बिल्ली ने मुंह मोड़ लिया मुझे देख के. सेम फीलिंग. मैं भी मुड़ गई उसको देख के. क्या बनाया है अंबर ने? अंबर ने क्या बनाया है? अंबर ने बनाया है हरी मिर्च धनिया स्पेशल आपके लिए खास. धनिया धनिया नहीं है. आहा हा हा हा. और ये गर्ल्स हैं. ओह माय गॉड. रुसा को तो आप मैं दिखाऊं ना जरा. आहा कप किरण हर दिल की धड़कन. किरण किरण
इधर देखो गर्ल्स कम ऑन स्माइल फॉर मी अरे उसा टर्न इधर देखो बिल्ली ये बंद करना इसकी लाइट बंद करो ये लाइट बंद करके यहाँ पोज करो आई वांट अ गुड पोज कम ऑन है ना यस देयर यू गो ये देखिए आजकल ये बड़ा ट्रेंडिंग में है कि प्लैटर्स आप बना देते हैं यार मैंने कोशिश की थी बहुत प्यारा प्लैटर आजकल बड़ा फैशनेबल है कि मेहमान आए तो आप प्लैटर बना दें एंड प्लैटर में सर्व करें ये चीजें खाने से पहले या खाना ना भी दें लेके फिर रही हूँ कोई बात नहीं ऐश करो प्लैटर्स होने चाहिए जब आप मेहमानों को बुलाएं ऐसे कुछ प्लैटर्स फ्लैट प्लेट पे फ्लैट ट्रे पे हुमस एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बहुत बहुत कूल और बहुत स्टाइलिश और बहुत अमीरों वाला है देखने का भी है खाने का भी है आई लाइक इट वेरी नाइस थैंक यू नादिया थैंक यू सो मच वेलकम वेरी मच मैं तुम्हारी पसंद की ज्वेलरी आई होप यू लाइक इट यस व्हाई नॉट ज्वेलरी अभी पहन के दिखाओ अंबर और किरण तो तीन लोगों ने कभी एज नहीं करना किरण अंबर और मैं और निदा हमने कभी एज नहीं करना हम ऐसे ही रहेंगे वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम ऐसे ही रहें दुपट्टा मिल गया सेल्फी है भाई ये डांस वाले स्कार्फ मैं तो दुपट्टा बना लिया ऐसे दावतों में ना दावतों में बहुत मजा आता है गर्ल्स इवनिंग में मजा आता है गर्ल्स नाइट आउट ये देखिए डॉक्टर क्या ठीक नहीं है मैंने सोचा कितना मजा आ रहा है जिंदगी कितनी मजे की चीज है मैं टाइम बेकार कर रही हूँ इना तो कश्मीर काश्मीर की कली लग रही है काश्मीर की कली और ये देखिए सीमी पाशा कैसी हैं सीमी पाशा हाउ आर यू सीमी जी ओके बस थोड़ी देर बाद कैमरे खुलेंगे और कैमरे बंद हो जाएंगे फिर हमेशा के लिए एंड दिस इज द खाना चाइनीज और ये सारा मेरी प्यारी सुघड़ बेटी इधर की मेरी बेटी ये रही मेरी बेटी मेरी सुघड़ प्यारी घरेलू बेटी ने नहीं बनाया एक भी नहीं चीज बनाई नहीं क्या बनाया मैंने चावल बनाए मैंने मीठा बनाया क्या बनाया और आपने हमें उल्लू बनाया आपने हमें पागल बनाया बस आज मैं सुबह 12 बजे शाम 7 बजे पर गई हूँ झूठी बोल रही सेटिंग करना ये निकालना इसकी सेल देखना ये करना बाथरूम में ये वो लिटरली चावल बनाए तुम्हारे प्लेटर बनाया हाँ प्लेटर बहुत मजे का था हाँ क्या बात है हमस बनाया और किस गाने पे आपने डांस किया बड़े शौक से कौन सा गाना था वो फेवरेट मैंने भी किया नहीं मतलब डिसेंट बनी हुई आज बहुत ज्यादा क्या मसला है एंटरटेन कर रही थी लोगों को नहीं आपने किया इसपे काला चश्मा पे बड़ा प्यारा परफॉर्मेंस इसके बाद करेंगे ना इसके बाद खाने के बाद कौन डांस करता है क्या खाना कौन खा रहा है क्या खा रहा है डिलीशियस तुम क्या खा रहे मैं खा रहा हूँ चाइनीज जो मैंने बनाया सारा का सारा क्या बात है एक महीने पहले बना के फ्रीजर में रखा था नहीं नहीं मेरी रेसिपी है मेरी रेसिपी को भी किरण ने लिया और किरण ने खाया राफी आपने क्या अरेबिक परफॉर्मेंस दी है जो ये आपने पहना हुआ है ये क्या परफॉर्मेंस थी राफी हमारी जान है हमारी पार्टी की जबरदस्त हाँ खाने के बाद कोई डांस नहीं करता खाने के बाद कोई डांस नहीं होता खाने के बाद बंदा सोता है बस ये हमारी जो रबिया है ये इतने प्यारा डांस करती है ना और ये और कितना जरूरी है देखो गर्ल्स का इकट्ठे होना हम इतना पागलों की तरह काम करते हैं देन वी नीड सम टाइम टू रिलैक्स डांस एंड ओके समबडी पता नहीं आई नो इंग्लिश You know English? अच्छा जी सॉरी पिक्चर टाइम
पिक्चर टाइम पिक्चर टाइम पिक्चर खाना चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, गर्ल्स पार्टी। हाँ भाई मैं पूछ रही थी गर्ल्स कितना 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 जरूरी है, हजार की क्लास, हेलो हजार के मिल रही है, कल को फिर से महंगी हो जाएगी। मच टॉकिंग, कितना जरूरी है भाई गर्ल्स का इकट्ठे होना, एंजॉय करना, डांस करना, गाने गाना। जरूरी है इसलिए कि एक ना कि लड़कियों में आप ना यू नो इसके लिए सेल्फ आप वो हेजिटेट नहीं कर रहे होते हैं ना, थोड़ा आप एंजॉय करते हैं ज्यादा, आप बहुत एंजॉयमेंट होता है दूसरे के, इतना काम करने का माइंड रिलैक्स होता है आपका, एक दूसरे से आप शेयर कर रहे होते हैं, फीलिंग्स शेयर कर रहे होते हैं, बड़ा मजा आता है, एंजॉय करते हैं। और हम वो सब लोग हैं जो काम करते हैं इतना ज्यादा और उसके बाद महीने में एक दिन तो बनता है। और लड़कियां साथ में होती है ना, कोई जजमेंटल नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई हस्बैंड नहीं, कोई कुछ नहीं, बस जस्ट गर्ल्स और नो वीडियो कैमरा जब हम एंजॉय करते हैं। ठंडी होनी चाहिए तो पार्टी हिट है, क्या बात है, बर्फ होनी चाहिए। हाँ तुम भी बताओ गर्ल्स गर्ल्स की इवनिंग पार्टी टाइम कितना जरूरी है। गर्ल टाइम होना ना चाहे आप लाइफ के किसी भी स्टेज में आगे निकलते हो, इट रिलेशनशिप्स कीप यू अलाइव एंड एट सम पॉइंट यू लूज योरसेल्फ सारे काम में, फैमिली में, ड्यूटी में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, लगता है कि यू बैक टू व्हाट यू वर। हमारा डांस और सॉरी दोबारा द ब्लॉग से अंडा वो नहीं चप्पा इतने गंदे बाल हो रहे हैं कैरेटीन अब कल नहा ये चौथा दिन है कैरेटीन का नहीं किसी में चप्पा अंडा अच्छी आई है यार, बहुत अच्छी आई है। और टांग उठाओ दिखाओ दिखाओ किसका फोन है, नादिया नादिया प्यारा बिल्ला, हेलो बिल्ला सिम्बा बहुत प्यारा बिल्ला, ये बैठा हुआ कैसे है ये बता रही है, रात को बदल जाता है ये बिल्ला रात तक मैं पागल हो गया था, ऐसा लग रहा था घर पे मेरी मैयत है, अंदर वो जो क्या क्या हुआ। अच्छा तमाशा में किधर गया, किसके पास घर पे था, बेटी सब उसको कोट दिए थे, कितना बड़ा है ये, 3 साल बैठा है, मामा का बेटा है ये, ये कुछ अलग है, इसको लगता है उसको चाय पिएगा थोड़ी देर, चाय बिस्किट खाएगा, समझदार है माशाल्लाह, ही इज पर्सन, सब बताते कम्युनिकेशन होती है। अच्छा भाई बहुत शुक्रिया, ओके जी वी आर लीविंग, वी आर लीविंग नाउ आफ्टर लवली पार्टी, ओके बी गर्ल्स थैंक यू अंबर, बहुत मजा आया, वेरी नाइस, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सब्सक्राइब टू आवर स्टाइल, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, सब्सक्राइब टू आवर स्टाइल, थैंक यू बाय बाय बाय, गुड फन, सब्सक्राइब टू आवर स्टाइल, थैंक यू राधे हुसैन आपसे बहुत कम बात हुई जी, अच्छा बहुत प्यारी लग रही है आप, सब्सक्राइब टू आउट स्टाइल एंड सब्सक्राइब टू नादिया हुसैन, वो तो है, वो तो कोई कहने की बात थोड़ी है, तो पता ही है मैं, वो तो है ही, सारी यूट्यूबर फ्रेंड्स सारी।
और अभी हम रात के दो बज रहे हैं, दो बज गए और घर से बहुत बुरे बुरे फोन आ रहे हैं, मुझे बहुत डांट डांट रहा है मामा घर आ जाए, तो अब हम जा रहे हैं। सब्सक्राइब टू आवर स्टाइल और आई होप आपने हमारे साथ एंजॉय किए हो, फ्रेंड्स इवनिंग वी हैड अ ग्रेट टाइम। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। ये मेरा ये बिल्ली और डॉग ये घर में कैसे रहते हैं? मेरे घर पे रहते हैं कुत्ता और बिल्ली। यू हैव अ डॉग एंड अ बिल्ली रहते हैं? बड़े बाजी माशाल्लाह आराम से। हाँ।